हेलो दोस्तों, बलराम जी के साथ आज फिर से हम लोग उपस्थित है आपके सामने। हेलो 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 एवरीवन। वैसे सर बहुत कम बोलते हैं लेकिन कभी कभी अच्छा बोलते हैं जिससे मेरी टीआरपी बढ़ जाती है उसी के लिए फेमस हूं मैं कम बोलने के। तो आज इनके मेकओवर में हम देखेंगे कि कुछ नहीं, ना दाग है ना धब्बा है ना कुछ नहीं फेस के ऊपर। इनका बहुत ही क्लीन फेस है और हम नॉर्मली 626C का एक बेस करते हैं, वो सारा अंडर आइज छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं। इनकी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है और उसका राज आप बताएंगे अपने मुंह से पता नहीं शायद पानी मैं ज्यादा पीता हूँ। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है कि सर हमेशा पानी बहुत पीते हैं, दिन भर में बहुत पानी पीते हैं। आप लोग भी सब पानी बहुत ज्यादा पीजिए जिससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। वैसे आप ये बेस लगाते हो, वो कौन सा बेस लगाते हो वो बता दो ऑडियंस को। हाँ, तो ये है 626C का क्राइलोन का बेस है। वैसे हम लोग मेक डर्मा कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट एक लुक होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है। जब हम लोग जब लुक करते हैं तो जो चीज यूज करते हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हम लोगों ने जब इनका लुक टेस्ट किया था तो ये एक टोन परफेक्ट टोन था, तो हम 626C का क्राइलोन का बेस करते हैं। और कुछ नहीं, ये देखो नॉर्मल एक बेस तो हो ही गया है। वैसे बेस को अच्छे से मर्ज करने के बाद आप ही यूट्यूब पे क्लासेस खोल मेकअप की सोच तो मैं भी रहा हूं ऐसे। हाँ सच में लोग घर बैठे बैठे सीख जाएंगे कि कैसे मेकअप किया जाता है। सही है। आप हमेशा जो भी मेकअप करते हैं ये ध्यान रखिए कि गला और कान दोनों पे मेकअप अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो फेस से मैच होगा वरना वो अलग लगेगा। वरना वैसे दादा आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में, मतलब मेकअप करते हुए? मुझे 14 साल के आसपास। 14 साल 14 इयर्स 14 साल का एक्सपीरियंस है ना। आई रिमेम्बर कर्ण में भी आपने ही मेरा मेकअप किया था। yes. आप ही करते थे हमेशा, तो काफी पुराने हैं। बहुत अच्छे दिन थे कर्ण के भी, हम लोगों ने बहुत अच्छे दिन निकाले। वो टाइम तो सही था, बहुत अच्छा था। मेरा भी फर्स्ट शो था एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबसे बहुत कुछ सीखने मिला उस टाइम तो। अभी भी मिलता है। सही है। के बाद होता है बेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग कटिंग। एनजी एक स्टिक होता है, उससे NG1 NG2, तो हम NG1 के स्टिक को लेकर कटिंग करते हैं। फेस को शार्पनेस दिखाने के लिए ये कटिंग जरूरी है, खासकर टीवी और मूवीज के लिए, बट इसको प्रिसाइजली करना बहुत जरूरी है वरना खराब भी लग सकता। आपने अगर हार्ड कटिंग दे दी तो दिख जाएगा, दिखेगा कि हाँ कटिंग लिया हुआ। इस तरह से देनी है कि पता ना चले कितनी है। क्या बात, और कुछ बोलिए ना मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुन के विश्वास नहीं हो रहा हूं ऑडियंस बोलेगी ये पक्का वसंत भट्टी बैठे कि किसी और को उनका फेस मास्क लगा के बैठा दिया सच में। और मैं तो चाहता हूँ कि आप बोलो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे तो और मेरी जो ऑडियंस है जो मेरे चैनल को देखती है वो तो सब यही बोलते हैं कि बहुत कम बोलते हो आप। हाँ वैसा ही है, कम ही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ थोड़ा मीनिंगफुल बोलता हूँ, तो शायद इस वजह से। अभी हमारा बेस और कटिंग कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम पाउडर, मैं यहाँ पर डर्मा का पाउडर यूज करता हूँ। जैसे प्रोडक्ट दिखाना नहीं चाहिए, नहीं ठीक है, सब अपने ही लोग हैं अगर आप टाइम लगेगा, बस वीक लगाने ही वाला हूँ। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ।
कोई भी बेस करो जैसे कि क्रायलोन हो या डर्मा, उसके साथ डर्मा पाउडर मुझे बहुत बेस्ट लगता है, जो नेचुरली होता है, ना आपको डार्क करेगा ना आपको ब्राइट करेगा। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप तो मुझे कर्ण से देख रहे हो, तो क्या चेंजेस लगे आपको मुझ में कर्ण से लेके अभी तक? लाइक बीच में कर्ण खत्म हुआ, उसके बाद हम सीधा राधा कृष्ण में ही मिले। राधा कृष्ण के भी पायलट में आप नहीं थे? पायलट में भी था मैं। तो सीधा जब शो शुरू हुआ तब हम मिले, तो क्या डिफरेंस लगा आपको तब से अब में? क्या आपको चीजें अच्छी सुधरी हुई लगी या कोई चीजें ऐसी खराब लगी? बता दो, कोई टेंशन नहीं, आज राज खोल दो। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। मुझे पहले एक्चुअली बुरा नहीं लगा ना, लेकिन मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद आप थोड़े से अकड़ू स्वभाव के हो गए हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, लेकिन जब आप वापस से इतने टाइम के बाद देखा तो आप इतने सॉफ्ट और इतने वो लग रहे थे कि मतलब क्या ये वही है वैसा लग रहा कि हाँ, मतलब उस समय भी मेरे से तो एक्चुअली बात नहीं होती थी ज्यादा, मैं तो सिर्फ मेकअप करता था चला जाता था। बोला किसने? बोला मैंने, बोला अच्छा अच्छा बुलाने कौन गया था। तो वो टाइम मेरे लिए तो कुछ अच्छा ही था, मतलब मेरे लिए तो कुछ खराब नहीं था, पर मेरे लड़के बोलते थे कि सर मतलब ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन आपकी सिर्फ बात कम करने की वजह से ही ये बोलते थे। नहीं उस टाइम ऐसा भी था ना कि पहला शो था, बहुत प्रेशर था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सीखना था बहुत कुछ, तो मैं अपने में ही रहता था। मुझे ऐसा भी एक डर था कि कहीं अगर मैं ज्यादा बहुत ज्यादा बोलूं, बहुत ज्यादा वो करूं, तो लोग जज करेंगे कि कुछ ज्यादा कुछ अभी किया नहीं है, कुछ बना नहीं है, उससे पहले बहुत ज्यादा वो कर रहा है। एंड बाय नेचर भी मैं थोड़ा सा शांति हूँ, मैं कम ही बोलता हूँ और कभी मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मुझे आपने ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि फर्स्ट इम्प्रेशन में मैं उनको अकड़ू ही लगाऊ, एरोगेंट लगाऊ बहुत, पता नहीं क्यों सबने बोला है कि हमें देख के फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा लगता है कि बहुत घमंडी होगा या बहुत एटीट्यूड होगा, बट बाद में फिर सब घुल मिल जाते हैं, सब घुल मिल जाते हैं। हाँ, और इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि एक आर्टिस्ट और एक टेक्नीशियन एक साथ में काम कर रहे हो, या मतलब फिर राधा कृष्ण में तो सब फैमिलियर है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको पर्सनली इतने टाइम से जानता हूँ कि आप अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो हमको तो आपके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आता है, ऐसी टीम हो तो फिर लगता ही नहीं कि काम करे। यस, ऐसा लगता है कि यार अपना ही है। और 3 साल कब निकल गए राधा कृष्ण, मतलब पता ही नहीं चला, विश्वास नहीं हो रहा कि 3 साल निकल गए। हाँ, सच में ये टीम हमारी सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी। तो अभी आपने क्या लगाया ये बता दो उनको। चिकशेड होता है, चिकशेड बेस होता है, वो चिकशेड आप गालों पर यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे लड़कियां ब्लशर करती है उस जगह पर हल्का सा चिकशेड, अगर किसी जेंट्स के ऊपर आप ट्राई करोगे तो ग्लो आएगा फेस के ऊपर, बट बहुत हल्का सा लगाना है, नहीं तो ज्यादा लगा दिया तो लड़की वाला भी वैसा लगता है। ज्यादा लगा दिया तो बलराम से सीधा बलदेवी बलदेवी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो आज मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है कि मैं आपका पूरा मेकअप मेकओवर दिखा रहा हूँ कि कैसे मेकअप में क्या क्या चीजें लग रही है। करेक्ट। थोड़ा सा मैंने इस तरह से अभी तक बनाया, वही मैं कहने जा रहा था, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आंखों को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा हम लोग राज दादा के साथ एक रील भी बनाई है मैंने, तो प्लीज जाके मेरे इंस्टाग्राम पे वो रील भी देखिए, लाइक कीजिए उसको, एंड राज दादा के यूट्यूब पे जाके वीडियो भी देखिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सर, मेरा प्रमोशन करने के लिए। मैं अपना भी कर रहा हूँ, आपका भी कर रहा हूँ।
आईब्रो फिल कर रहे हैं, आईब्रो फिलर है, और मुझे पीएससी कंपनी का आईब्रो फिलर बहुत अच्छा लगता है, उससे आप आईब्रो को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं, और अगर ज्यादा हो जाता है तो इस तरह से उंगली से उसको मर्ज स्मर्ज कर सकते हैं अच्छे से। नॉर्मल लाइफ में आप मेकअप करते हैं तो कुछ कम ही करना है उसको, वरना वो दिखेगा। अभी हमारे पास इतना गेटअप होता है, वीग वगैरह होती है, तो उसमें पता नहीं चलता है कुछ। करेक्ट, यस। आइए। हाय। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो अब हम वीग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वो कर लेते हैं ना, वो कर लेते, वो जो बचा हुआ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको ये एपिसोड देख, ये मेकअप अगले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। तब तक आप हमारा, मेरा चैनल भी देखते रहिए, हमारा शो भी देखते रहिए, और लाइक करते रहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय बाय।